नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्र। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार को फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जगह मिली। ये कारनामा करने वाले अक्षय कुमार भारत के इकलौते सेलिब्रिटी। अक्षय ने इस मामले में खान तिकड़ी यानी सलमान, शाहरुख और आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे पिछले साल से तुलना करें तो अक्षय की कमाई बीते एक साल में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए रह गई। पिछले साल अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपए थी, लेकिन बावजूद इसके वो अब भी बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार हैं। हालांकि प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस से अक्षय इस मामले में मात खा गए। बता दें कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई लिस्ट में अक्षय का नाम ही नहीं बल्कि प्रियंका के पति का भी नाम है और वो अक्षय से इस लिस्ट में आगे है। इस लिस्ट में अक्षय जहां 52वें नंबर पर है और उनकी कमाई 364 करोड़ बताई गई है, वहीं निक अपने भाइयों के साथ 20वें स्थान पर है। उनकी कमाई 517 करोड़ रुपए बताई गई है। यानी प्रियंका चोपड़ा के हबी ने उनके एक्स बॉयफ्रेंड अक्षय कुमार को इस मामले में मात दे डाली। वहीं हाल ही में अक्षय कुमार ने फोर्ब्स के साथ बातचीत में कहा कि शुरुआत में मैं बस 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता था। मैं आखिरकार इंसान हूं। जब मैंने 10 करोड़ कमा लिए तो सोचा 100 करोड़ क्यों नहीं कमा सकता। ईमानदारी से कहूं तो इसके बाद मैं रुका नहीं और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। अक्षय कुमार ने आगे कहा, मेरे लिए पैसा मायने रखता है लेकिन अलग तरीकों से, और मैं ये जानता हूँ ये मेरी कठिन परिश्रम की कमाई। मैंने एक एक रुपए के लिए कड़ी मेहनत की है। पैसा आपके पास आसानी से नहीं आता। मैंने इसके लिए अपना खून पसीना दिया है। हाँ, ये मेरे लिए मायने रखता है। बता दें कि अक्षय कुमार एक साल में 3 से 4 फिल्में करते हैं। बड़े पर्दे पर विदेश भक्ति, कॉमेडी और रोमांटिक अवतार में नजर आ चुके हैं जिन्हें दर्शक ने सराहा। वहीं जल्द ही वो कई सारी फिल्में लेकर आने वाले हैं जिनमें सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब, पृथ्वीराज, बेल बॉटम, बच्चन पांडे और अतरंगी रे जैसी फिल्में शामिल हैं।